नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में, ठीक है। अगर आप HDFC बैंक से महिला ग्रुपिंग लोन या फिर समूह लोन लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से लोन ले सकते हो, आज के स्टूडियो में आप लोग कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को स्किप कहीं पर आप लोग मत कीजिएगा। तो दोस्तों आपको HDFC बैंक से महिला ग्रुपिंग लोन लेने के लिए ओनली फॉर जो वो महिला ही एलिजिबल रहती है, तो इसमें जेंट्स नॉट अलाउ, ओनली फॉर वोमेन, ठीक है। यानी कि केवल महिला लोग ही इस फॉर्म को भर सकती है और इस लोन को प्राप्त कर सकती है। तो अगर आपके घर में महिलाएं हैं तो आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको लोन लेना है, कितना लोन मिलेगा, EMI आपको कितना आने वाला है, कितने दिन में आपको लोन मिलेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में बताने वाला है, तो आपको इसकी वीडियो को नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट जो आप लोग को क्या क्या लगने वाला है। तो जैसे हम आपको बता दें कि इस लोन को लेने के लिए ना ही आपको आधार कार्ड देना होगा, ना ही पैन कार्ड देना होगा और ना ही बैंक अकाउंट देना होगा, ठीक है। ओनली फॉर एक डॉक्यूमेंट देना होगा, वो होगा ओनली फॉर आपका वोटर आईडी कार्ड, जिससे आप वोट देने के लिए जाते हो, ठीक। वही केवल आपको वोटर कार्ड एक देना पड़ेगा, आपका एक डॉक्यूमेंट यानी कि महिला का एक डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड देना होगा और उसके साथ में उसका पति का वोटर आईडी कार्ड देना होगा, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट में आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ओनली फॉर हमें दो डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना करके मत दे दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे जगह पे देखे हमने कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना करके देते हैं, वहां पे ऑनलाइन आपका चेक होगा, ऑनलाइन चेक होगा, सही पाए अगर आप जाते हैं तभी आपको लोन होगा, नहीं तो आप पेंडिंग में चले गए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी भी बैंक से लोन लीजिए तो वहाँ पे फ्रॉड डॉक्यूमेंट आप लोग मत दीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। अब आपका डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, अब आपको बताते हैं कि इसमें लोन जो है वो कितना आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। इसमें दोस्तों लोन जो है वो आपको 45,000 से लेकर के 10 लाख रुपया तक का इसमें लोन दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो आपको 45,000 ही मिलेगा, ठीक है। आपको झूठ हम नहीं बताएंगे कि आपको 5 लाख 10 लाख मिलेगा, बट हम आपको जैसे आपको बोले कि 45,000 से 10 लाख तक इसमें मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम आपको 45,000 ही मिलेगा, उसके बाद आपको जो है उसका 2 गुना 3 गुना भी मिल सकता है, ठीक है, अगर आपको सही तरीका से लोन को चलाते हो तब। तो ये बात आपको समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम आपको 45,000 ही लोन आपको मिलेगा। उनका EMI जो दोस्तों आपको आने वाला है वो आपको 2,450 रुपया करके पर मंथ आपको EMI पे करना होगा, ठीक है। 2,450 रुपया पर मंथ EMI पे करना होगा, कितना दिन पे करना होगा, तो 2 साल, ओनली फॉर आपको 24 मंथ जो है किस्ती पे करना होगा, 24 मंथ आपको किस्ती भरना पड़ेगा। तो उसमें आपका जो भी लोन का इंटरेस्ट होता है एंड आपका लोन अमाउंट जो होता है सारा का सारा क्लोज हो जाता है। अब एक बात थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, अगर आप सोच रहे हो कि हम लोन लिए हैं, ठीक है, हम जो है कुछ दिन चलाएंगे लोन को, यानी कि 2-4-5 महीना चलाएंगे और उसके बाद जो हम सोचते हैं सारा लोन का अमाउंट जो बचता है हम एक बार में दे करके उसको क्लियर कर लें, तो वैसा संभव है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोन लेते हो, लोन लेकर के 5 महीना आप यूज किए हो, तो ओनली फॉर आप तो आपको 5 महीना का ही इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ चुके हैं। अब इसको समझिएगा कि इस लोन को लेने के लिए हमें प्रोसेसिंग चार्ज क्या देना होगा। तो जैसे हम आपको बता दें कि इसमें प्रोसेसिंग चार्ज जो है आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। लोन किस प्रकार से आपको मिलेगा वो भी बताएंगे, इसमें प्रोसेसिंग चार्ज आपको 1 रुपया नहीं लगेगा और आपका 45,000 जो आपको देगा उसका बीमा भी होगा, वो खुद आपको बैंक करके देगा, बैंक के तरफ से इसमें बीमा होता है और प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 0 है। जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो आपको डायरेक्टली हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। लोन अमाउंट के बारे में आपको सारा जानकारी बता दी कि लोन कैसे कैसे मिलेगा। अब इस बात को समझिए कि लोन हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ग्रुप इसमें बनाना पड़ेगा आप लोगों को, तो 6 महिला 7 महिला 8 महिला 10 महिला का कम से कम 10 रखिएगा, वैसे मिनिमम तो 6 महिला पे दे देगा लोन, लेकिन उम्मीद रखिए कि आप 10 महिला अगर होंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, कि मतलब तुरंत का तुरंत आप लोग का काम हो जाता है, ठीक है। 5-6 पे थोड़ा सा वो लोग कम ध्यान देते हैं, बट ज्यादा महिला रहता है तो उस पे क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके उन लोगों को लोन मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रुप आप लोग को 10 महिला का कुछ इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को इस लोन को लेना है। लोन लेना कैसे है इस पे हम बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन मुद्दा यही है कि लोन मिलेगा भाई कैसे हमको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये लोन जो है आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके लिए हम सॉरी आप लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोन जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का फैसिलिटी है ही नहीं, तो हम आपको बताएंगे कहां से, ठीक है। जो सुविधा है वो हम आपको बताएंगे, आपको ये लोन जो है ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा, वो भी HDFC बैंक ब्रांच में जा करके, ठीक है। आपके नियरेस्ट में जो भी HDFC बैंक का ब्रांच होगा आप वहां से कॉन्टैक्ट करके इस लोन को ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके नियरेस्ट में HDFC बैंक होगा तो आप वहां से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपके नियरेस्ट में HDFC बैंक नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सीधा आप गूगल खोलोगे,
गूगल बाबा से आपको पूछना है कि भाई साहब हमारे नियरेस्ट में एचडीएफसी बैंक कहाँ पर है, तो वो आप टाइप करोगे गूगल क्रोम में जाकर के, तो आपको नियरेस्ट में जो भी आपका ब्रांच होगा वो उसका कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस भी वहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपल सा कॉल करना है और कॉल करके बताना है कि सर फलाने जगह से हम बात कर रहे हैं, हमें लोन लेना है, महिला ग्रुपिंग लोन। वो लोग आकर के आपके घर पे लोन कर देते हैं। लोन लेने में दोस्तों आपको कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। 10-15 दिन में आपका क्या क्या होगा थोड़ा ध्यान से ये भी बात को समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले वो आपके घर पे आएंगे, जो भी महिला लोन लेना चाहती है सबका डॉक्यूमेंट वो लेंगे। जैसे कि आपको पहले हम बताएं कि वोटर कार्ड ओनली फॉर आपको देना है, तो दोनों का वोटर आईडी कार्ड देना है। उसके बाद वो लोग जाकर के आपका एंट्री करेंगे, 2-3 दिन के बाद आएंगे, आप लोगों का ग्रुप बनाएगा, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद फिर आपको 1 हफ्ता के बाद फिर आएगा वो लोग। उस समय जो है सभी को यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग होता है एचडीएफसी में ही, सबको एचडीएफसी बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोग का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें से एक मेंबर जो है किसी एक को सदस्य बनाया जाता है और उसी का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन होगा, उसी के अकाउंट में सारा पैसा, सभी महिलाओं का पैसा उसके अकाउंट में आएगा, वो खुद अपना पैसा निकाल करके सभी दीदी में बांट देंगी। इस प्रकार से इसमें लोन लेने का फैसिलिटी दिया गया। अगर आप इसमें ट्रस्ट रखते हैं तो दिए गए जानकारी को आप लोग फॉलो कीजिए, आपको 110% लोन मिल जाएगा दोस्तों। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और जहां तक हो पाएगा, कुछ अगर प्रॉब्लम आप लोग को आए तो जहां तक हो पाएगा हम आप लोग का हेल्प कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो करते एंड पूरा वीडियो को वॉच करने के लिए दोस्त तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।